बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मगर मेरी बिल्कुल खैरियत नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे खाना सिखाने का बेड़ा उठा लिया है। क्योंकि वो कहती हैं कि बहन की शादी के बाद तेरी शादी होगी, और जब तेरी शादी होगी तो तेरी बीवी आएगी, और अम्मी की जिम्मेदारी उस पर नहीं बल्कि मुझ पर होगी, इसलिए वो मुझे मार मार के अभी ही सब कुछ सिखा देंगी। क्योंकि वो कहती हैं आने वाली को सुकून दो, इसलिए आज मेरी अम्मी मुझे पाए बनाना सिखाएंगी। और मेरी अम्मी बहुत ही मज़ेदार पाए बनाती हैं। आए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बहुत से टिप्स और सीक्रेट्स के साथ। हमारे पास चार बड़े के पाए हैं, जिनको हमने अच्छे से धो के तैयार कर लिया है। एक बड़ा पतीला हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब हम उसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारे पाए आसानी से गल जाएँ और अच्छी यखनी तैयार हो। हमने तकरीबन 4 लीटर पानी शामिल किया है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के बगैर कोई भी रेसिपी नामुकम्मल है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून प्यारे से कलर के लिए हल्दी शामिल करेंगे। अब हम एक मलमल के साफ कपड़े पर 2 टीस्पून साबुत धनिया और 2 टीस्पून सौंफ शामिल करेंगे, और इसकी हम पोटली बनाएंगे। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनानी है जैसे हम बनाएंगे। ये पोटली हमने इसलिए बनाई है क्योंकि जब हमने इसको यखनी में शामिल करना है तो हमने सिर्फ इसका जायका लेना है, और यखनी तैयार होने के बाद हमने इसको बाहर निकाल देना है। पोटली को शामिल करने के बाद अब हम इसमें अपने पाए शामिल करेंगे, और पाए शामिल करने के बाद इसको तेज़ आंच पर एक उबाला देंगे ढक्कन से कवर करके। देखें जी, माशाल्लाह उबाला हमारा आ चुका है। अब हम इसको एक दफ़ा चम्मच की मदद से हिलाएंगे। मैं यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि आपके पाए कम से कम 4 से 5 घंटे पतीले के अंदर गलने में लेंगे, मगर इसके बरक्स प्रेशर कुकर के अंदर यही पाए सिर्फ 1 घंटे के अंदर पक जाएंगे। अब हम इसको 3 से 4 घंटों के लिए हल्की आंच पर कवर करेंगे ताकि ये आसानी से गल जाए और इसकी यखनी भी बहुत लजीज तैयार हो। मगर पाए का असल जायका पतीले में पकने से ही आता है, क्योंकि जब ये हल्की आंच पर पकते रहते हैं तो इसकी यखनी बहुत ही लजीज तैयार होती है। लें जी, माशाल्लाह 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। ढक्कन खोलते साथ ही इतनी प्यारी खुशबू आई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए माशाल्लाह हमारी यखनी कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। ये कलर सिर्फ हल्दी की वजह से आया है। अब हम इसको पायों को चेक करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, हमारे पाए कितने मज़ेदार गले हैं। माशाल्लाह हमारी यखनी और पाए तैयार हो चुके हैं। अब हम इस पोटली को बाहर निकाल देंगे। अब हम इन पायों का मसाला तैयार करेंगे। इस मज़ेदार मसाले को तैयार करने के लिए हम टमाटर, तेज़पत्ता, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, पीसी लाल मिर्च, गरम मसाला, दही और प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपने पैन में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा ऐड हो चुका है। अब हम इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने काट लिया था, वो शामिल करेंगे और इसको ब्राउन करेंगे। जब प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। देखें जी, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। अब उसी पैन में हम दोबारा 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और उसको हम यूँ हिला देंगे अच्छे से, और उसमें 2 टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। 3 टीस्पून पीसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपकी मिर्च हल्की है तो आप 4 टीस्पून भी शामिल कर सकते हैं, और 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे क्योंकि हल्दी हमने पहले भी शामिल की है। नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे या हसबे जायका, और इन तमाम मसाला जात को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 2 से 3 अदद तेज पत्ते शामिल करेंगे और इसको भी अच्छे से हिलाएंगे, और हम इसकी मीडियम आंच पर थोड़ी देर भुनाई होने देंगे, और फिर उसके बाद हम अपना ग्राइंड किया हुआ दही शामिल करेंगे। दही हमने सिर्फ 1 प्याली शामिल करनी है क्योंकि हमने साथ इससे पहले टमाटर भी शामिल करे हैं। टमाटर का अपना जायका होता है और दही का अपना जायका होता है, दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं। हम अपने दरमियानी आंच पर मसाले की बुनाई करते रहेंगे। देखें माशाल्लाह हमारा कितना खूबसूरत कलर आया है। मसाला हमारा तकरीबन 80% तैयार है। अब हम इसके अंदर अपना ग्राइंड किया हुआ प्याज शामिल करेंगे जिसको हमने ब्राउन किया हुआ था, और इसको भी हम अब हल्के हाथों से
इस तरह मिक्स करेंगे। यकीन जानिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी तो हमने इस रेसिपी के अंदर अपना टॉप सीक्रेट शामिल करना है, जो हमारे घर का बनाया हुआ स्पेशल मसाला है, जो हम पाई की रेसिपी में हमेशा यूज़ करते हैं, जो पायों के जायके को 4 गुना बढ़ा देता है। ले जी माशाल्लाह, हमारा ये मसाला तैयार है। अब हमने पायों के अंदर से यखनी को अलग करके चूल्हे पर रख दिया है, उसमें थोड़ा थोड़ा उबाला भी आ चुका है। हाय माशाल्लाह, कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब हम इस यखनी के अंदर अपना ये तैयार किया हुआ मसाला शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर अपनी रेसिपी की जान यानी 2 टीस्पून घर का बनाया हुआ पायों वाला मसाला शामिल करेंगे, जो कि गरम मसालों के जैसा ही लगता है, मगर इसके अंदर हर चीज़ की मिकदार का तवाजुन रखना पड़ता है। ये मसाला आम गरम मसाले से ज़रा हट के है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम अपने पाए यखनी में शामिल करेंगे। पाए सारे शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से इस मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। हमारे ये पाए पकने के लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। यकीन जानिए, जो मसाला हमने अपने इन पायों के अंदर अभी शामिल किया है, उस मसाले की वजह से इसकी इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखें जी माशाल्लाह, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पाए तैयार होने के बाद। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। असल पाए ही वो पकते हैं कि जिनका शोरबा अगर आपकी उंगलियों पर लग जाए तो आपकी उंगलियाँ चिपकना शुरू हो जाएँ। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें। देखिए जी, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, ए मज़े। इसको सीखते हुए मुझे बहुत डांट पड़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।